हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज इस वीडियो में हम अपनी राधा रानी के लिए या दुर्गा माँ के लिए लहंगा चुनरी बनाएंगे। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ये हमारी लहंगा चुनरी बनती है। बिल्कुल बेसिक मेथड है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल आप बना सकेंगे। बहुत ही इजी है, देखिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हमने बस फैब्रिक एंड एक स्टोन चेन यूज़ किया है इसमें को बनाने के लिए, और ज़्यादा कुछ भी मटेरियल नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फैब्रिक लिया, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। रेड कलर की फैब्रिक मैंने ली है क्योंकि दुर्गा माँ को हम अधिकतर रेड कलर ही पहनाते हैं। अभी नवरात्रि आने वाले हैं, आप इसको ट्राई करें। तो देखिए, इसकी जो विड्थ है वो 12 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स मैंने ली है, और जो इसकी लेंथ है, तो देखिए इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ। इसकी लेंथ हमको लेनी है अप्रॉक्स 47 सेंटीमीटर। तो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं आप। और देखिए, ये मैंने स्टोन चेन ली है, तो ये आपको किसी भी लेस शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएगी। इस तरीके से ये वाइट कलर की हमको स्टोन चेन लेनी है। इसको मैं कट कर रही हूँ। ये हम इसको कट कर सकते हैं, सिंगल बीड भी यूज़ कर सकते हैं, लेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है ये, और बहुत ईजिली अवेलेबल है किसी भी लेस शॉप में। तो इस तरीके से हमने इसको अपने लहंगे में डाउन साइड में हमने दो लेयर को लगाना है, और साइड में वन लेयर को मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ग्लू गन की हेल्प से लगा रही हूँ। तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले हमको कॉर्नर पे लगाना है, तभी हम फिर डाउन साइड लगाएंगे। पहले हम कॉर्नर वाली जो हमारी सिंगल लेस है वो हम लगाएंगे, और फिर जो डबल वाली हमारी चेन है वो हम डाउन साइड लगाएंगे। तो साइड में मैंने लगा लिया, अब मैं डाउन साइड लगाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगाते हुए, और फिर हम अपने डबल वाली जो हमने ये चेन ली है इसको हम अपने फैब्रिक में लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने लगा लिया, और जो भी हमारा बचता है एक्सेस वाला वो हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा था इसको हम कट कर लेंगे सिंगल सिंगल बीड में। तो ये सिंगल सिंगल बीड में मैंने इसको कट कर लिया, और अब मैं थोड़ा ग्लू लगा के इसको अपने लहंगे के बीच में भी लगाऊंगी। तो इस तरीके से इसका लहंगे का लुक जो है वो और ज़्यादा अच्छा आएगा, और ये हमारी जो लहंगा है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो देखिए, इस तरीके से कोई भी रैंडम पैटर्न मैं यहाँ पे बना रही हूँ, फिक्स नहीं है। इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने लगा दिया, और अब हम क्या करेंगे, थ्रेड नीडल लेंगे और इसको हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने सुई धागे से सिंपल इसको, जैसे रनिंग स्टिच जो होता है हमारा, हमको नीडल में लेते जाना है और इस तरीके से इसको स्टिच करना है। बहुत इजी है। तो इस तरीके से हम पूरी लेंथ में इस तरीके से अपनी नीडल में फैब्रिक को लेते हुए स्टिच कर लेंगे। एंड तक हमको करना है, बिल्कुल एंड तक पूरी लेंथ में हमने इस तरीके से ले लेना है उसको, और फिर थोड़ा सा खींच के इस तरीके से, देखिए हमारी लहंगे की शेप जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा कॉर्नर में था यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे अपनी नीडल से। देखिए, इस तरीके से हमने नॉट लगा ली, और फिर हम अपनी जो ये थ्रेड है इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमारा जो ये लहंगे का पैटर्न है बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए हमारा लहंगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बांधने के लिए मैं यहाँ पे सिल्वर रिबन ले रही हूँ। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, डोरी ले सकते हैं, रिबन ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। तो देखिए, इसलिए लेंथ जो मैंने मेजर की कट कर ली, और अब हम इसको जहाँ पे हमने स्टिच लगाया था वहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इसको अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, हमारा लहंगा जो है वो एकदम रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है लहंगा ये।
हमने कुछ भी फैंसी मटेरियल यूज़ नहीं किया इसको बनाने में, सिर्फ फैब्रिक और स्टोन चेन ली है। अब हम बनाएंगे अपनी लहंगे की चुनरी। तो चुनरी के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक ली है, इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, जो सॉरी इसकी विड्थ 6 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ मैंने ली है 28 सेंटीमीटर। तो ये अप्रॉक्स मेजरमेंट है, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन हम आप इसमें अपनी स्टोन चेन लगाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हमने लगाना है सबसे कॉर्नर वाला एज, इस तरीके से कॉर्नर पे हमने लगाना है। मैं यहाँ पे ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमने साइड में लगा दी, और अब हम जो लेंथ वाइज है वहाँ पे भी अपनी एक एक स्टोन चेन लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये लगती है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमने कट कर लिया, और इसी तरीके से ऊपर की साइड भी हमको लगानी है। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारी कवर हो गया है बॉर्डर। अब हम क्या करेंगे, जैसे लहंगे में लगाया था वैसे वैसे एक एक बीट को हम मिडिल में भी लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमारी चुनरी जो है वो और ज़्यादा हैवी लुक आएगा और ज़्यादा सुंदर लगेगी। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। तो देखिए चुनरी भी हमारी रेडी हो गई, कितना इजी मेथड से मैंने आपको बताया है। तो चुनरी हमारी एकदम रेडी हो गई है, बहुत सुंदर लग रही है। अब हम बनाएंगे अपनी चोली। तो चोली के लिए देखिए यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ली है, सेम ही फैब्रिक को लेना है हमने अपने सब चीज़ों के लिए। इसकी जो हमारी लेंथ है वो अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर है, और उतनी इसकी विड्थ है। तो यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर लिया है फैब्रिक का, इसको मैंने इस तरीके से हाफ में फोल्ड किया, और अब मैं यहाँ पे इसको वी कट दूंगी नेक के लिए। तो हम वी शेप की बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वी कट देना है। तो देखिए हमारी ये नेक रेडी हो गई है वी शेप की, देखिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, चोली की शेप देने के लिए यहाँ साइड से नीचे से लेते हुए ऊपर एक कट लगाएंगे। इस तरीके से हमने ये कट लगाना है ताकि हमारी चोली की शेप बने। और इस तरीके से देखिए ये हमारी शेप बन गई है। अब हम इसको भी लेस से डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऐसे सेंटर में लगाई, अब हम कॉर्नर्स में लगाएंगे। जो हम लेस यूज़ कर रहे हैं, एक ही हमने लेस या स्टोन चेन कह सकते हैं हम इसको यूज़ करके बनाया है। दोनों साइड लगाएंगे। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, और अब इसी तरीके से हमने जो नेक का वी पोर्शन है वहां पे भी मैं लगा लेती हूँ इसको। अगेन हम जो भी एक्स्ट्रा हमारी बची है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए वी शेप रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो स्टोन चेन है उसको मिडिल में इस तरीके से 2-3 बीट्स लगा लेंगे। तो चोली रेडी है। अब इसको बांधने के लिए एक हम क्या करेंगे, कमर पे बांधने के लिए यहाँ पे लगाएंगे एक जो रिबन मैंने यूज़ किया है, और 2 हम स्लीव पोर्शन पे लगाएंगे। तो ये हमारा नेक पे बंधेगा और ये हमारा नीचे कमर पे बंधेगा। तो इस तरीके से देखिए हमारी चोली भी एकदम रेडी है, सुंदर लग रही है बहुत हमारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।